नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। ऑसम कलेक्टिव्स में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी हां दोस्तों, आज हम फिर उपस्थित हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सनातन धर्म का सबसे पवित्र कार्तिक महीना 10 अक्टूबर से हो जाएगा आरंभ। इस महीने में भूल कर भी न करें ये काम। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां हम समय से आपको पहुंचाते रहें। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म के विक्रम संवत कैलेंडर के मुताबिक अश्विन पूर्णिमा के बाद कार्तिक माह की शुरुआत हो जाती है। यह विक्रम संवत का 8वां महीना होता है। इस महीने के लिए पूजा अर्चना और व्रत के लिए बहुत अहम माना जाता है। इस साल 10 अक्टूबर यानी कल से कार्तिक माह महीने की शुरुआत हो रही है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इस महीने में कई काम करने वर्जित किए गए हैं, जबकि कईयों को अनिवार्य माना गया है। ऐसे में दोस्तों, आइए जानते हैं कि कार्तिक मास में कौन से कार्य हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए। पहला, कार्तिक माह में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से इस महीने में आपको पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी। आप चाहें तो केवल नरक चतुर्थी वाले दिन तेल लगा सकते हैं। इस महीने में उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना और राई जैसी चीजों को खाने की मनाही की गई है, इसलिए इनसे बचना चाहिए। कार्तिक महीने में बैंगन, करेला, जीर और दही के सेवन को भी मना किया गया है। इसकी वजह यह महीना मौसम का संक्रमण काल है। ऐसे में ये चीजें खाने से शरीर को नुकसान हो सकता है। कार्तिक माह को सनातन धर्म में बहुत ही शुभ माना गया है। इसी महीने दिवाली, धनतेरस, भाई दूज जैसे त्योहार आते हैं। इस महीने मांसाहार भोजन और मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये तो बात हो गई कि कार्तिक माह में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कार्तिक माह में कौन से कार्य जरूर करने चाहिए। कार्तिक महीना पुण्य लाभ वाला होता है। ऐसे में इस पूरे महीने रोजाना शाम के वक्त तुलसी के पास दीप प्रज्वलित करना शुभ माना जाता है। यह महीना भगवान विष्णु की भक्ति वाला होता है, इसलिए इस महीने संभव हो तो जमीन पर सोना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कार्तिक माह में दीप दान का बहुत महत्व होता है। आप किसी भी नदी या तालाब में आटे से बना दीपक जलाकर प्रवाहित कर सकते हैं, इसका पुण्य फल मिलता है। इस महीने में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी भक्तों पर जमकर अपनी कृपा बरसाते हैं, इसलिए इस पूरे महीने रोजाना सुबह 4 बजे उठकर गंगा जल युक्त जल से स्नान करना चाहिए। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागृत होते हैं और सबसे पहले तुलसी जी को पुकारते हैं। लिहाजा इस महीने सुबह शाम विधिवत तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। सभी माह में है सर्वश्रेष्ठ कार्तिक का महीना। जी हाँ दोस्तों, सनातन धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ स्कंद पुराण में कार्तिक माह का उल्लेख किया गया है। उसमें इस माह को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ग्रंथ में कहा गया है कि जिस तरह गंगा के समान कोई और नदी नहीं है, वेदों के समान दूसरा कोई शास्त्र नहीं है, उसी प्रकार कार्तिक माह जैसे कोई दूसरा पवित्र माह नहीं है। पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस महीने नियम पूर्वक पूजा पाठ और तुलसी जी का वंदन करता है, उसे सारे सुखों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आप भी कार्तिक माह में इन सभी बातों का ध्यान रखें और पुण्य की प्राप्ति पाएं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की जानकारी? अगर आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।